तो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आपका मोबाइल हैंग करता है तो केवल दो मिनट में उसको नए मोबाइल जैसा बनाए, आपको कोई सेटिंग भी नहीं करनी है, अपने मोबाइल में कुछ भी नहीं करना है, आपका मोबाइल जो है केवल दो मिनट के अंदर आपका मोबाइल नए मोबाइल जैसा हो जाएगा। यदि आपका मोबाइल हैंग करता होगा या फिर गर्म करता होगा, ओके, तो दोनों ही प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। केवल आपको जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। दोस्तों वीडियो को एक थम्सअप जरूर देना, लाइक जरूर करना वीडियो को, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों यदि आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तो केवल आपको अपने मोबाइल में क्या करना है ध्यान से देखना। आपको दोस्तों एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल में, और डाउनलोड करने के बाद जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे करना है, और उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन जो है डिलीट कर देनी है। आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, कोई भी झंझट नहीं करना है, केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मोबाइल को ठीक करके फिर उसको डिलीट कर देना है, ओके। और जब जब भी आपका फ्यूचर में कभी भी मोबाइल हैंग हो तो आपको यही ट्रिक अप्लाई करनी है। अब ये एप्लीकेशन कौन सी है और इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है थोड़ा वो ध्यान से समझना होगा आपको, ओके। सबसे पहले आप मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाएंगे अपने, और प्ले स्टोर में जाने के बाद एक एप्लीकेशन मिलेगी यहाँ पर, रिपेयर सिस्टम फॉर एंड्रॉइड, ओके, ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन जो है कर लेंगे। जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, ओके। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये आपको बता देगी कि आपके मोबाइल के सिस्टम एंड ऐप कितना GB डाटा जो है घेर रखा है, अवेलेबल रैम कितनी है, टोटल रैम स्पेस जो है कितना है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी बैटरी परसेंटेज बताएगा, स्टोरेज बताएगा कितनी कैसे कैसे जो है यूज हो रही है। अब आपको करना क्या है अपन, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रिपेयर सिस्टम के नाम से, ये वाला यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है, ओके। अब ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल को स्कैन करना स्टार्ट कर देगी एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना है, समझने वाली बात है। यहाँ पर आपको चेक क्या करना है, ओके, तो यहाँ पर अब आपको वेट करना है कुछ टाइम। जैसे ही आपका पूरा रिपेयर हो जाएगा सिस्टम, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक स्कैनिंग चल रही है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की साइड देखेंगे, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर नीचे की साइड आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर पहला ऑप्शन है रिपेयर सिस्टम एंड्रॉइड, और सेटिंग ऑप्शन है यहाँ पर जो है रिमेडी बूट, और थर्ड है फाइल सिस्टम रिपेयरिंग, और फोर्थ नंबर पर है बूस्टर रैम, ओके। तो यहाँ पर ये चारों एक एक करके जो है क्लियर होंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो रिपेयर सिस्टम एंड्रॉइड जो होना था वो जो है स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अब जैसे ये क्लियर हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, रिमेडी बूट जो है स्टार्ट हो गया आपके मोबाइल की। अब यहाँ पर रिमेडी बूट स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद यहाँ पर आपका फाइल सिस्टम रिपेयरिंग स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर फाइल सिस्टम रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद फाइनल में बूस्टर रैम का जो सबसे नीचे ऑप्शन है स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फाइनली बूस्टर रैम जो है स्कैनिंग हो रही है उसकी। अब दोस्तों जैसे ये चारों जो है स्कैन हो जाएंगे, यहाँ पर टिक टिक जो है लग जाएंगे चारों पर, अब इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखना है। अब ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप ऊपर की साइड देखेंगे एक मैसेज मिलेगा, रैम हैज बीन एक्सेलरेटेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन यूज योर डिवाइस विद नो प्रॉब्लम इन रैम। अब आपके मोबाइल की रैम क्लियर हो चुकी है, जो भी उसमें बग्स थे, जो भी उसके अंदर जो अनवांटेड फाइल थी, अब आपके मोबाइल की जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो रैम से ही होती है, तो वो तो अब दूर हो चुकी है। लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एम्प्टी फोल्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लीन करना है, ओके। और जैसे आप इसको क्लीन करेंगे तो इस तरीके से जो है होगा, इससे क्या होगा आपके मोबाइल की जो है बहुत सारी जो है स्टोरेज है वो क्लियर हो जाएगी, कुछ जो है शायद फाइल्स होगी वो क्लियर हो जाएंगे, कुछ बग्स होंगे, जो अनवांटेड फोल्डर बने हुए हैं आपके मोबाइल में वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको क्लीन कर देना है यहाँ से, ओके, फाइनली क्लीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी एम्प्टी फोल्डर थे मोबाइल के वो सभी क्लीन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों मोबाइल के अंदर। तो जैसे ये क्लीन हो जाएंगे इसके बाद क्या होगा, आपके मोबाइल की जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अब आपको बस फाइनली यहाँ पर जो स्टेप करना है वो ये करना है, यहाँ पर आपको अब अपना मोबाइल एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है। तो यकीन मानना आपके मोबाइल की जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, आपका मोबाइल बिल्कुल नए जैसा चलने लग जाएगा, ओके। बाकी आपको उसका पूरा इफेक्ट नज़र दिखाई दे जाएगा जब आप इसको यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करके जाना। तो यही था इस वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।